दोस्तों, यदि आपने साल 2024 में मैट्रिक पास किए हैं तो आपके लिए तीन शानदार स्कॉलरशिप बता रहे हैं और तीनों स्कॉलरशिप के लिए अलग अलग आप अप्लाई कर सकते हैं। आप यूँ समझिए कि अगर आप तीनों के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको करीब जो है 40-50 हज़ार रुपये की स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी, अगर आप 10वीं सिर्फ पास किए हैं तो ये कौन कौन से स्कॉलरशिप है, इसके लिए आपके नंबर कितने होने चाहिए, फर्स्ट डिवीज़न पर कितना मिलेगा, सेकेंड डिवीज़न पर कितना और थर्ड डिवीज़न पर कितना मिलेगा, इसके बारे में बताएंगे। और एक ऐसे स्कॉलरशिप है जिसके तहत 25,000, 15,000, 10,000 अभी दिए जा रहे हैं, इसके लिए ऑनलाइन भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे उसके बारे में भी मैं पूरी जानकारी बताऊंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा, अंत तक जुड़े रहिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चाहते हैं इस प्रकार की लगातार अपडेट आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, आने वाली सारी अपडेट की जानकारी आपको मिलती रहेगी। सभी जानकारी मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए बताऊंगा और अप्लाई का लिंक भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो है मैं आपको स्क्रीन पर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया था, ये 2023 के लिए था, लेकिन 24 में भी सेम ये स्कॉलरशिप आपको मिलने वाले हैं। इसमें सबसे पहला स्कॉलरशिप जो आपका है मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना है। इस योजना के तहत सामान्य श्रेणी यानी जनरल के जो भी बालिका होंगे यानी लड़की होंगे और जो पिछड़ा वर्ग के जो लड़की होंगे मतलब बीसी कैटेगरी की लड़की होंगे, वो प्रथम श्रेणी से अगर मैट्रिक उत्तीर्ण की है तो उनको 10,000 रुपये मिलने वाले हैं। यहाँ पर दूसरा जो स्कॉलरशिप है मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, इसके तहत उच्च जाति के जो अल्पसंख्यक बालक होंगे उनको मिलेगा। उच्च जाति में जैसे मुस्लिमें होते हैं, लेकिन मुस्लिम में भी उच्च जाति के मुस्लिम होंगे उनको इसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन उनको ये है कि प्रथम श्रेणी से पास होना होगा और उनकी पारिवारिक आय एक साल में 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, उन्हें 10,000 रुपये के लाभ मिलेगा। तीसरा जो स्कॉलरशिप है मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना है, ये अल्पसंख्यक समुदाय के कैंडिडेट को मिलेगा, जिसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी ये सब कैंडिडेट शामिल होते हैं, जिसमें छात्र छात्राओं दोनों को बेनिफिट मिलेगा प्रथम श्रेणी पर 10,000 रुपये का। बात करें चौथे नंबर पर जो स्कॉलरशिप है मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेघावृत्ति योजना है, इसमें जो पिछड़ा वर्ग यानी बीसी कैटेगरी के जो लड़का होंगे जिन्होंने प्रथम श्रेणी से अगर पास किया है तो 10,000 मिलेगा। ध्यान ये रखना है कि आपको इनकम सर्टिफिकेट 1.5 लाख रुपये से आपको अपलोड नहीं करनी है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी जो पाँच नंबर पे स्कॉलरशिप है आपकी मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेघा छात्रवृत्ति योजना है, इसके तहत जो EBC वाले कैंडिडेट होंगे जो लड़का हो या लड़की हो उनको मिलेगा, जो प्रथम श्रेणी पर ही या EBC वाले लड़का लड़की को मिलेगा 10,000 रुपये। बाकी द्वितीय श्रेणी पे मैं बताऊंगा कि किन छात्र छात्राओं को बेनिफिट मिलेगा, आगे यहाँ पर दिया गया है। 6 नंबर में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति मेघावृत्ति योजना है, इस योजना के तहत जो कैंडिडेट अनुसूचित जाति जनजाति के लड़का लड़की होंगे यानी SC ST वाले जो भी लड़का लड़की होंगे उनको प्रथम श्रेणी पर 10,000 और द्वितीय श्रेणी पर जो है 8,000 रुपया मिलेगा। तो क्लियर हो जाइए, मैट्रिक में द्वितीय श्रेणी पर सिर्फ और सिर्फ SC ST के लड़का लड़की को ही बेनिफिट मिलता है, इसके अलावे अगर आप BC वाले होंगे, जनरल वाले होंगे, द्वितीय श्रेणी पर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। बाकी 7 नंबर में देखेंगे मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति मेघावृत्ति योजना है, इसके तहत क्या है कि बालिका जो भी होगा SC ST का उनको प्रथम श्रेणी पर यहाँ पर 15,000 रुपये मिलता है और द्वितीय श्रेणी पर 10,000 रुपये यहाँ पर दिए जाते हैं। तो आप इसमें से जिस कैटेगरी से आते हैं, जिस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अप्लाई की जो प्रक्रिया है ये मेघा सॉफ्ट के पोर्टल है, इसी पोर्टल से 10वीं पास के लिए आपका पोर्टल लाइव होंगे, जो कि आपके उम्मीद है कि अगले महीने मई महीने में या ये अप्रैल महीने के लास्ट वीक में स्टार्ट होगा। अभी देख पा रहे होंगे 2023 का था वो बंद हो चुका है, तो अब आप ही लोगों का आवेदन इसमें होने वाले हैं। तो ये पहला स्कॉलरशिप था। दूसरा जो स्कॉलरशिप के बारे में मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो स्कॉलरशिप आपका जो है ये बिहार सरकार के बिल्कुल नई और फ्रेश स्कॉलरशिप है। इसके बारे में हमने अप्लाई का वीडियो भी बना दिया है, ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। अगर आप मैट्रिक या इंटर पास किए हैं तो इसमें 10,000, 15,000, 25,000 वो जो मिलेगा वो तो मेघा सॉफ्ट के पोर्टल पर मिलेगा, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावे अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब इसका नोटिफिकेशन मैं डाउनलोड कर पहले आपको दिखाता हूँ। तो अभी देख पा रहे होंगे बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस योजना के तहत समझिए, अगर आप बिहार के लेबर कार्ड धारक के लड़का लड़की है, आप बिहार के किसी भी बोर्ड से पढ़ाई किए होंगे, बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड, तो आपको इसका बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। इसमें आपके जो
भाई बहन होंगे, दो ही लोगों को बेनिफिट मिलेगा। अगर आप चार भाई बहन हैं, एक साल में ही चारों लोग पास कर चुके हैं, तो नहीं मिलेगा, दो ही लोगों को मिलेगा। अगर आपका नंबर 10वीं या 12वीं में 80% या उससे अधिक होगा तो 25,000 आपको मिलेगा। अगर आपका नंबर 70% से लेकर 79% होगा तो 15,000 मिलेगा। अगर आपका नंबर 50% से लेकर 69% होगा तो 10,000 रुपये आपको मिलेगा। इसके लिए पात्रता यही है कि आपके जो अभिभावक होंगे, माता या पिता, लेबर कार्ड धारी होने चाहिए, उनका उम्र 18 से 60 वर्ष होने चाहिए और लेबर कार्ड एक साल पुराना होना चाहिए और आपके अभिभावक साल में जो है 90 दिनों का जो निर्माण काम होता है उस लेबर कार्ड से काम किया होगा, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई के लिए ये लिंक है जहां से जाकर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैंने इसके लिए वीडियो बना दिया है, आप डायरेक्ट चैनल के लोगों पर भी क्लिक करेंगे तो आपको ये वीडियो मिलेगा जिसे देखकर आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो ये दो अलग अलग प्रकार के स्कॉलरशिप है, आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये पैसा आपको चुकाने की जरूरत नहीं है, ये पैसा आपको प्रोत्साहित करने के लिए दी जाती है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी जो अगला स्कॉलरशिप आपका है, ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पर बेनिफिट कैसे मिलता है, तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में पहले समझिए। ये बिहार सरकार का अपना खुद का पोर्टल है। इस पोर्टल के मदद से अभी आप 10वीं जो पास किए हैं, इसके आगे आप 11th में नामांकन लेंगे, बहुत बच्चे 10वीं के बाद ITI करेंगे, पॉलिटेक्निक करेंगे, अलग अलग कोर्स हो सकता है, तो कहीं भी अगर आप पढ़ाई करेंगे बिहार में ही, बिहार के इंस्टीट्यूट में ही, तो आपको इस स्कॉलरशिप के तहत बेनिफिट मिलता है। जिस अनुसार का कोर्स होगा, जैसे आपका मान लीजिए ये आपका इंटर होगा तो 2500 से 3000 एक साल में, दोनों साल में 5-6000 मिल जाएगा। ITI करेंगे तो 5000 रुपया मिलेगा, पॉलिटेक्निक करेंगे तो 5000 रुपये मिलेगा, तो करीब 5000 के करीब में इसमें भी आपको बेनिफिट मिलता है। इसमें आप फर्स्ट डिवीज़न से हो, सेकंड डिवीज़न से हो, थर्ड डिवीज़न से हो, कोई मायने नहीं रखता, लड़का लड़की दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो ये लेबर कार्ड वाला स्कॉलरशिप बताया, इसमें भी लड़का लड़की दोनों लोग अप्लाई कर सकता है और हमने मेघासॉफ्ट के मदद से जो भी स्कॉलरशिप के बारे में बताया उसमें भी लड़का लड़की दोनों अप्लाई कर सकता है। मतलब मैट्रिक वाले में लड़का लड़की सब लोग अप्लाई कर सकते हैं और बाकी जिसका अप्लाई की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है, मैं वीडियो लगातार बना रहा हूं, आप जाकर देख सकते हैं। देखिए, इन तमाम स्कॉलरशिप का अगर बेनिफिट लेना है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका जो भी आपकी मैट्रिक की डिटेल है उस पर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम, ये देख ले आधार पर जो डिटेल है, नाम, डेट ऑफ बर्थ और जो पिताजी का नाम है, ये मैच हो रहा है या नहीं। नहीं हो रहा तो इसको पहले सुधार करा लीजिए, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिलेगा। एक इनकम सर्टिफिकेट आपको बना लेनी है और जो आपका बैंक अकाउंट है वो आधार से लिंक होनी चाहिए। अब अगर आपको नहीं पता है तो इसको लेकर आप चैनल के लोगों पर जाएंगे तो हमने कल ही एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि आपका जो बैंक अकाउंट है आधार से लिंक है या नहीं है, वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और आधार सीडिंग करने की पूरी प्रक्रिया भी हमने इस वीडियो में बताया है, तो आप जाकर देख सकते हैं। अब जैसे जैसे जो भी अप्लाई की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, वीडियो मैं आपको ज़रूर बना दूंगा। आप लोग क्या कर सकते हैं, रेगुलर हमारे वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट stm.in को विजिट करेंगे और नीचे स्कॉलरशिप वाले कैटेगरी में आएंगे। जो जो स्कॉलरशिप आपके लिए चलाई जा रही होंगी सबका लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएगा, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और हमारे साथ व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम से अगर जुड़कर रहेंगे तो सभी अपडेट आपको यहाँ पर भी आपको मिलती रहेगी। उम्मीद करता हूं जो मैट्रिक पास करने पर जो अलग अलग स्कॉलरशिप चलाई जा रही है इसके बारे में आपने पूरी जानकारी समझा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी बच्चे इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर पाए और समझ पाए, क्योंकि 90% से भी अधिक ऐसे बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं हो पाता कि इतने सारे स्कॉलरशिप हमारे लिए चलाई जा रही है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।